हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस इज मंदीप और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग सिनेरियोस जो आपके काम आएगा किसी भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो जो इंटरव्यू हो सकता है वो क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर का हो सकता है, डेवोप सपोर्ट इंजीनियर हो सकता है या फिर टेक्निकल सोल्यूशन इंजीनियर। तो इन्हीं की सब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये सब काम आएगा। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था इंटरव्यू गाइड के लिए स्पेसिफिकली, उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया या फिर मेरे को इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर रीच आउट किया कि एक ट्रबल शूटिंग वीडियो जो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम वही एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि ये वाली हमें प्रॉब्लम दी गई और हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और हम वीडियोस बनाते जाएंगे आपकी ड्रीम जर्नी के लिए। यार पेस अपना पहला ट्रबल शूटिंग सिनेरियो वाला वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पीसी काफी स्लो चल रहा है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। अभी जो आपका ये पीसी है, ये आपका घर का लैपटॉप हो सकता है, बड़ा वाला कंप्यूटर हो सकता है या फिर कोई सर्वर। करना क्या है कि ये काफी धीरे चल रहा है और इसको तेज भगाना है। तेज भगाने से मतलब इसकी हमें प्रोसेसिंग फास्ट करनी है। अभी जैसे मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है कि हमें सबसे पहले समझनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर एक बार पता चल गई है तो हम मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए अपना पहला स्टेप रहेगा कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि कंप्यूटर की स्लोनेस कहाँ पे है, कि कंप्यूटर कहाँ स्लो बिहेवियर दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यार एक एप्लीकेशन पर्टिकुलरली स्लो चल रही है आपकी या फिर पूरा का पूरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। तो इन केस आपकी एक ही एप्लीकेशन स्लो चल रही है तो हम उस अगर डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को किल कर देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 GB कंप्यूटर पे अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो चला दिया तो कंप्यूटर ने जवाब दे ही देना है। अब इन केस आपको ये पता नहीं लग रहा कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने कंप्यूटर को स्लो कर रखा है तो आपको सारे के सारे प्रोसेसेस ही ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो एक लिनक्स का कमांड जो आपको ये काम करके देगा वो है टॉप कमांड। अगर आप टर्मिनल पर टॉप कमांड चलाते हो तो आपके जितने भी कंप्यूटर पर प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी सब कुंडली पता लग जाएगी कि ये वाले प्रोसेसेस चल रहे हैं, कि ये PID है, PID मतलब प्रोसेस आईडी, तो ये वाले प्रोसेसेस चल रहे हैं। फिर इनकी स्टेट क्या है, जैसे स्लीपिंग, रनिंग या फिर स्टक स्टेट है इनकी। फिर कितनी आपकी CPU और मेमोरी कितना यूटिलाइज है, और इसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसमें यूजर का कितना यूटिलाइजेशन है और सिस्टम का कितना यूटिलाइजेशन है। तो मैं एक आर्टिकल शेयर करूंगा आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ना टॉप कमांड के रिलेटेड। उसमें सारी डिटेल्स रहेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और आपको सारा जो भी ऑप्शंस रहते हैं टॉप कमांड के कि ये वाला चलाओगे तो ये आउटपुट आएगा, ये वाला चलाओगे तो ये आउटपुट आएगा, और उसमें जो जो ऑप्शंस है उनका मतलब क्या है वो हमें डिटेल में समझना है। तो ये सब आपके इंटरव्यू में काम आएगा। अब जब आपने टर्मिनल पर टॉप कमांड चलाया तो आपको सारे प्रोसेसेस की लिस्ट मिल गई। अभी इस लिस्ट में आपको देखना है कि कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा मेमोरी या फिर CPU यूटिलाइज कर रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहा है। अगर आपको ये पता लग गया कि ये वाला प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और इसका कोई काम भी नहीं है, मतलब ये कहीं सिस्टम की प्रोसेसिंग में काम नहीं आ रहा, तो इसको आप किल कर सकते हो। किल करने का डायरेक्ट कमांड रहता है किल और फिर प्रोसेस की आईडी, जो आपकी PID आपको टॉप कमांड में दिखती है। अब टॉप कमांड के अलावा एक और सिमिलर कमांड रहता है PS, जो आपको प्रोसेस का व्यू देता है। बेसिक डिफरेंस जो टॉप और PS में वो है वो ये कि टॉप आपको डायनेमिक व्यू देता है, मतलब जैसे जैसे आपके प्रोसेस चल रहे हैं वैसे वैसे वहाँ स्टेट चेंज होती रहती है। PS में क्या है, आपको स्टेटिक व्यू दिखता है। अभी आपने एक बार CPU और मेमोरी चेक कर लिया, अभी इसके बाद में आप देखो बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस को हम लिनक्स की लैंग्वेज में डीमंस बोलते हैं, तो आपको चेक करना है कि कोई डीमंस तो नहीं चल रहा है आपके सिस्टम में। अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस ऐसा चल रहा है जो कोई काम का नहीं है, मतलब उसका कभी पहले 2 दिन पहले आपने जब सिस्टम चलाया था तब वो उसका कोई काम होगा, और उसके बाद में आपने सिस्टम को क्योंकि रिबूट तो किया नहीं तो वो तब से चल ही रहा है, तो अभी उसका क्योंकि कोई काम नहीं है तो आप उसको अगर डिलीट कर दो तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। अभी बैकग्राउंड प्रोसेसेस के अलावा एक और प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है वो है ज़ॉम्बी प्रोसेस। अब इन केस आपको ये नहीं पता कि इन ज़ॉम्बी प्रोसेस और डीमन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, कहाँ पिक्चर में आते हैं ये, तो इनके लिए आई विल शेयर अ लिंक विद यू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो आप उनको गो थ्रू कर लेना, एक बार डिटेल में दिया हुआ है वहाँ पे सब कुछ, तो वहाँ से आपको ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अभी हमने एक बार रिसोर्सेज के अंदर CPU और मेमोरी तो देख लिया, इसके अलावा एक और जो रिसोर्स बचता है वो है अपना डिस्क इनपुट आउटपुट। तो जो डिस्क IO रहता है वो भी आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको डिस्क यूसेज या फिर डिस्क फ्री कितना है उसको चेक करने के लिए जो कमांड हम यूज कर सकते हैं वो है DF या फिर DU। DF यानी डिस्क फ्री और DU यानी डिस्क यूसेज।
अगर आप अपने टर्मिनल में df-h कमांड चलाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि अभी इतनी डिस्क अवेलेबल है अपने सिस्टम पर, और ये सारी डायरेक्टरीज है, मतलब ये वाले फाइल सिस्टम्स है जिसमें कितनी कितनी अवेलेबल है परसेंटेज में। और अगर आप -h ऑप्शन स्पेसिफाई करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपको जो आउटपुट आता है वो MB या फिर GB में आता है। इनकेस आपने सिर्फ df चलाया तो आपको जो आउटपुट आएगा वो बाइट्स में आएगा। अभी सिस्टम की डिस्क अवेलेबिलिटी के अलावा ये जो कमांड आउटपुट देता है वो ये भी रहता है कि आईनोड्स की इन्फॉर्मेशन क्या है। अभी आईनोड क्या होता है कि जो भी आप फाइल्स क्रिएट करते हो अपने फाइल सिस्टम में वो एक आईनोड से मैप्ड रहती है जो इन फाइल्स का मेटाडेटा स्टोर करता है। तो इन केस ऐसा हो गया कि कोई भी अवेलेबल आईनोड नहीं है अभी, मतलब आपके पास डिस्क अवेलेबल तो है पर कोई फ्री आईनोड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आप कोई नई फाइल नहीं बना पाओगे और उसकी वजह से क्या होगा, प्रोसेसेस स्टक हो जाएंगे कि कोई नई फाइल नहीं बन पा रही और किसी प्रोसेस को फाइल्स बनानी थी तो आपके प्रोसेस स्टक हो गए और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी इससे। तो इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने सिस्टम में देखो कि कोई एम्प्टी फाइल्स क्रिएटेड है क्या, तो अगर आप उन एम्प्टी फाइल्स को डिलीट कर देते हो तो आपके आईनोड्स फ्री हो जाएंगे और आप नई फाइल्स बना पाओगे। अभी आईनोड्स के अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो df या फिर du कमांड से कि कोई कौन सी डायरेक्टरीज मैक्सिमम स्पेस कंज्यूम कर रही है। अगर आप उन डायरेक्टरीज में देख पाओ कि यार ये वाली फाइल्स तो कोई काम की नहीं है, ये बेवजह स्पेस कंज्यूम कर रखा है इन्होंने, तो आप अगर उनको डिलीट कर देते हो तो स्पेस अवेलेबल हो जाएगा और अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। आफ्टर ऑल दीज ट्रबल शूटिंग स्टेप्स जो अपना लास्ट तरीका रहेगा वो रहेगा रिबूट द सिस्टम। तो अब होता क्या है कि हम जनरली सिस्टम को रिबूट नहीं करते, अपना एक महीने तक ऐसे ही चलता रहता है, तो उससे क्या होगा, काफ़ी सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस चलते रहेंगे या फिर कोई भी तरह का प्रोसेस चलता रहेगा जो अभी यूज्ड नहीं है। तो अगर आप सिस्टम को रिबूट कर देते हो तो उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपना जो ये रिबूटिंग सिस्टम है ये अपना आखिरी हथियार रहेगा। तो ये अपने 5 बेसिक स्टेप्स रहेंगे टू ट्रबल शूट ए स्लो PC, लैपटॉप या फिर कोई सर्वर। आज के लिए इतना ही, आप कमेंट्स में बताना कोई भी फीडबैक या फिर सजेशंस, और तब तक मैं नेक्स्ट ट्रबलशूटिंग वीडियो पे काम करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड लक विथ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।